हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता टीम फिजिक्स सी एल सी सीकर तो जेई ट्वेंटी के लिए मिड सेशन टेस्ट सीरीज में हमारा अगला सेकेंड पेपर जिसमें हम कवर करने वाले हैं टॉपिक सर्कुलर मोशन सेंटर ऑफ मास मासजन एंड रोटेशनल मोशन तो इस पेपर की सोल्यूशन के लिए हम रेडी हो जाते हैं पहला क्वेश्चन रोड ऑफ लेंथ एल इज हिस्ड एट वन एट एंड इट इज रोटेटेड विद ए कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा इन हॉर्जोंटल प्लेन लेट टी वन टी टू बी देंशन एट

इस बचे हुए पूरे हिस्से का मास कितना होगा सपोज पूरी रॉड का मास m है तो इसका मास हो जाएगा थ्री एम बाई फोर और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पाएगा ये बीचो बीच में इस हिस्से की जो लेंथ थ्री एल बाई फोर उसका भी आधा कर दो यानी कि थ्री एल बाई एट यहां पे सेंटर ऑफ मास आएगा तो अब इस हिस्से के लिए जो टेंशन है वो क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर ये आर किसका लेना है सेंटर ऑफ मास की हिंसे डिस्टेंस सेंटर ऑफ़ मास किसका जो हिस्सा घूम रहा है उसका सेंटर ऑफ मास तो ये हो जाएगा हमारे पास थ्री एम बाई फोर ओमेगा जाएगा देखो एल बाई फोर प्लस एल बाई एट तो इट विल बी थ्री एम बाई फोर ओमेगा स्क्वायर इसको लिखेंगे हम फाइव एल बाई एट तो ये हो जाएगा फिफ्टीन बाई थर्टी टू m ओमेगा स्क्वायर l ये तो t1 की वैल्यू सेम इसी तरीके से अगर हम t2 निकालें तो t2 कहाँ है three l by four डिस्टेंस पे जो है पॉइंट वहां पे तो ये three l by four डिस्टेंस इसके बाद जो मास बचेगा वो कितना बचेगा m by four क्योंकि one fourth रोड है इसका जो लेंथ है वो है l by four तो सेंटर ऑफ मास उसकी भी आधी डिस्टेंस l by four का आधा कितना हो जाएगा जाए तो यहां पे भी हम टेंशन लिखेंगे T2 टू एम ओमेगा स्क्वायर आर सी एम एम कितना है एम बाई फोर यहां पर ओमेगा आर सी एम कितना हो जाएगा थ्री एल बाई फोर प्लस एल बाई एट सो इट विल बी एम बाई फोर ओमेगा स्क्वायर इसको लिखेंगे सेवन एल बाई थर्टी टू सेवन एल बाई एट ओके तो ये हो जाएगा हमारे पास सेवन बाई थर्टी टू एम ओमेगा टेंशन ज्यादा टी वन ज्यादा है, है T2 से और हमने वैल्यू भी निकाल ली इनका रेशियो पूछते वो भी हम बता सकते थे तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टी वन ग्रेटर देन टी टू फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा ओके okay, बच्चों आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे

ज्योमेट्री uh, देखनी थी बच्चों में आते हैं हमारे अगले थर्ड क्वेश्चन पे थर्ड क्वेश्चन बोला है कि पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय दिस फाइंड रेट ऑफ चेंज इन स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज इन स्पीड विद टू टाइम इसको हम क्या बोलते हैं दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी दैट इज डीवी बाय डी टी ओके अब हमें यहां पर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है लैम्डा नॉट टी मतलब कि हाफ एम वी स्क्वायर लेमडा नॉट टी तो v इज टू लेट अपॉन एम टी ओके में अपन को क्या करना है ए टी में डीवी बाई डी टी बताना है तो टू लेमडा नोट एम ये तो कॉन्स्टेंट हो गया रूट टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वन अपॉन टू रूट टी आएगा ठीक है इसको जब आप सॉल्व करके लिखोगे तो टू को अंदर ले जाओगे तो लेमडा नॉट अपॉन टू एम टी आ गया इसी की वैल्यू टी इक्वस टू वन पे आपको बतानी है तो ए टी ए टी टू वन कितना हो जाएगा टी की वैल्यू वन डाल दो लैम्डा नोट अपॉन टू एम ओके टी की जगह वन डाल दिया अपन ने तो फाइनली लैम्डा नोट अपॉन टू एम ये हो गया एटी कोई कंफ्यूजन इसमें तो ये आपका यहां पे थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी आगे बढ़ते हैं एक बार आप इसे नोट कर ले बच्चों आगे बढ़ते हैं फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन क्वेश्चन पे में आपको बोला है कि किसी टाइम पे पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फोर आई फोर जी और इसका इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन है थ्री आई प्लस फोर जी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उस इंस्टेंट पे कितनी है पार्टिकल किसी स्पेस में मूव कर रहा होगा तो देखो हम यहां पे एक बार देखते हैं कि इसमें वेलोसिटी जो है वो किस तरह से दी गई है तो वेलोसिटी नेट वेलोसिटी किधर आएगी v नेट आएगा फोर और फोर का इफेक्टिव एकदम फोर रूट टू आ जाएगा और ये कितने एंगल पे बनेगा 45 इधर से भी और इधर से भी 45। अब आपको इन्होंने पूछा है कि टोटल वेलोसिटी एक्सेलरेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मला क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मला जो हमारे सामने आता है वो आता है नेट नेट स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर तो हमें पता चल गया कि डिग्री पे है ना अब ए का मतलब होता है इस नेट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन के आ रहे हैं वो तो एक बार एक्सेलरेशन लिखे अपन एक्सेलरेशन कितना कितना है यहां पर एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट तो है थ्री दूसरा कंपोनेंट है फोर अब ये थ्री और फोर जो कंपोनेंट है तो इनका कंपोनेंट थ्री और फोर के भी आप फिर कंपोनेंट करो ऐसे परपेंडिकुलर तो एक तो आएगा थ्री साइन फोर्टी फाइव और एक आएगा फोर साइन फोर्टी फाइव आ गए कंपोनेंट ये इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये देखो ये इसके इधर से परपेंडिकुलर ये इधर से इसके परपेंडिकुलर अब इसमें से बड़ा कंपोनेंट कौन सा होगा फोर साइन फोर्टी फाइव तो अल्टीमेटली हमारे पास इस तरह से कंडीशन बन रही है कि V तो इधर आ रहा है है अपने पास। V नेट जो है root वो तो इधर आ गया और इधर नेट परपेंडिकुलर एक्सलरेशन बचेगा कौन सा फोर बाई रूट टू माइनस थ्री बाई रूट टू तो ये आ जाएगा फोर रूट टू स्क्वा ये कितना हो जाएगा तो इसमें हमेशा ध्यान रखना आपको नेट वेलोसिटी लेनी है और उस वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्सेलरेशन के वो काम में लेने ठीक है तो हमने एक्स वाई कंपोनेंट जो थे एक्सेलरेशन के उसके भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर दी ओके बेटा तो ये आ गया अपना यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन नोट एक बार इसको तो अपना ऑप्शन कौन सा जाएगा इसमें फोर्थ अगला आता है फिफ्थ फिफ्थ में इन्होंने बोला है कि ट्रेन जो है वो ए वो तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है दूसरी ट्रेन बी जो है वो सेम मास की वो वेस्ट से ईस्ट जा रही है एट सेम स्पीड और विद रेस्पेक्ट टू अर्थ अलोंग इक्वेटर ठीक है नॉर्मल फोर्स बाय द ट्रैक ऑन ट्रेन ए इज एन एंड दैट ऑन ट्रेन बी इज एन देन अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस और अर्थ जो है आपको ये भी दिया है कि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है बिल्कुल सही बात है अब यहाँ पे आपसे ट्रेन पे नॉर्मल रिएक्शन पूछा है चलो बिल्कुल इस क्वेश्चन को करते हैं अपन अर्थ में रोटेशन है वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये वेस्ट ये ईस्ट ट्रेन ए जो है वो ईस्ट से वेस्ट जा रही है ये ट्रेन ए का ओमेगा ए फिर ट्रेन बी का ओमेगा बी ठीक है ये दोनों ओमेगा आपस में सेम है अर्थ का ओमेगा इसको मैं ओमेगा नॉट मान लेता हूं इन दोनों को मैं ओमेगा और ओमेगा मान लेता क्योंकि सेम स्पीड दिया हुआ है तो अब इस केस में अपन ये देखते हैं कि जो ए की नेट वेलोस्टी आएगी देखो अर्थ ट्रेन ए रही ईस्ट से वेस्ट और ट्रेन खुद आ रही है वेस्ट से आ, अर्थ खुद आ रही है वेस्ट से ईस्ट तो इसके तो अपोजिट मोशन हो गया ना तो इसका ए का जो नेट वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी वो आएगी ओमेगा माइनस ओमेगा अर्थ यानी कि ओमेगा नॉट या आ जाएगी ओमेगा ए माइनस ओमेगा अर्थ इसी तरह से ट्रेन बी की नेट वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी ओमेगा बी प्लस ओमेगा अर्थ यहाँ गया अब यहां पे अपन एक और डायग्राम बनाते हैं जैसे मान लो ये कोई ट्रेन है इसको अगर सर्कुलर पे घूमना है तो सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए एक रिक्वायर्ड फोर्स कौन नॉर्मल पे, पे तो लगेगा बाहर की तरफ तो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा एम जी

तो इसका मतलब जिसका ओमेगा ज्यादा उसका नॉर्मल रिएक्शन कम इसका मतलब एन बी लेस देन एन एनि एन 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 बी अपना फर्स्ट ऑप्शन तो लिखनी है ठीक है और उसके बाद फिर उसके बाद बनानी एम जी सेंटर की तरफ इसलिए नॉर्मल उसको अपोज कर रहा है तो एम जी माइनस एन कर दिया अपन ने ओके बच्चों यहां तक कोई कंफ्यूजन एक बार नोट कर लें इस सोल्यूशन को यहाँ तक फिफ्थ क्वेश्चन तक अपना पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है ओके नेक्स्ट आते हैं हम सिक्स क्वेश्चन पे सिक्स क्वेश्चन में आपको बोला है कि ड्यूरिंग हेवी रेन हेल ऑफ एवरेज साइज दिस इन डायमीटर फुल विद फॉल विद एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड सपोज 2000 थाउजेंड स्ट्राइक एवरी स्क्वायर मीटर ऑफ

ठीक है डेल्टा पी का मतलब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ हेल्थ स्टॉम पर सेकेंड एम का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है एम वी से जीरो हो रहा है डेल्टा टी ठीक है अब एन हेल्थ एन कैसे पता, अपन, अपन पता करेंगे देखो एरिया कितना दिया है टेन इंटू टेन और पर सेकेंड इतने ये गिर रहे हैं टू थाउजेंड है ना पर मीटर स्क्वायर में और उसका टेन इंटू टेन मीटर एरिया दिया हुआ है और आपको 20 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड दी हुई है ठीक है तो ये आ जाएगा अपने पास 2000 पर स्क्वायर मीटर एरिया कितना है 10 10 ये तो ये हो गया इतने तो गिर रहे हैं पर सेकंड ठीक है 2000 जो हेलस्टॉर्म है वो पर स्क्वायर मीटर में है ना तो 10 10 उसका टोटल एरिया तो टोटल इतने गिरेंगे 1 सेकंड में एमवी कैसे निकालोगे रो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इनटू वेलोसिटी, ओके, तो ये हो जाएगा 2000 इनटू 100, रो की वैल्यू दी हुई 900, 4 बाय 3 पाई, डायमीटर 1 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 10 पार माइनस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और क्यूब, वेलोसिटी कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 20 है ना? Uh, वेलोसिटी है अपने पास 20 बिल्कुल ठीक तो इस केस में ये हो जाएंगे देखो कितना 18 10 पार्स 7 फिर आ जाएगा 4 बाय 3 पाई 1 बाय 8 10 टू दी पावर माइनस 6 इनटू 20 ठीक है तो एक बार और इसको अपन 6 से कैंसिल कर देते हैं 3 से 6 टाइम्स फिर आ जाएगा मेरे पास 24 फोर बाई एट इंटू और इधर पावर कितनी बचेगी अपने पास सेवन और सिक्स वन पावर और बचेगी ठीक है तो ये हो जाएगा थ्री इधर पाई और बचेगा ना साथ में तो अब अपने पास आ जाएगा सिक्स पाई इन टू हंड्रेड ठीक है, सिक्स पाई होता है थ्री पॉइंट वन फोर इंटू हंड्रेड तो कितना हो जाएगा अपने पास छोबीस दो बचेगा छे दो आठ छेतिया अठारह इंटू सो so. तो अपना आएगा आंसर एटी ती, एटीन एटी फोर ओके तो अपना आंसर क्या हो जाएगा एटीन एटी फोर न्यूटन ये आपका आंसर हो गया पाई है, की वैल्यू 3.14 लेनी आपको दी गिवन है हैल्स्टोन की डेंसिटी गिवन okay, है ओके बच्चों तो आपका सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट होता है एक बार सॉल्यूशन नोट कर लें स्क्रीनशॉट ले लेना ले इसका अगला है कि सर्कुलर क्लॉक जो है उसकी रेडियस r है आइडेंटिकल स्मॉल पार्टिकल्स पॉइंट मासेज़ आर प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन 1 टू 11 12th पोजीशन को आपने खाली छोड़ दिया ऑल पार्टिकल जो है प्लेस्ड एट सरकमफेरेंस देन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ क्लॉक विल बी है ना

कि मैंने ऐसा सोच लिया अगर सिमेट्री देखें है ना सिमेट्री अगर हम इसमें बनाए तो ये जो एक और सात वाली पोजीशन के पार्टिकल है इन दोनों का सेंटर ऑफ मास तो बीचों बीच आएगा ना दो और आठ वाले का सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा तीन और नौ वाले का सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा चार और दस वाले का सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा पांच और ग्यारह वाले का भी बीच में आएगा देखो ये इस तरह से लाइन बन रही है ना तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां बीच में आ जाएगा लेकिन जो सिक्स वाला है उसके सामने ट्वेल्थ पोजिशन पे कोई मास थोड़ा ना है इसलिए ये सिक्स वाला के साथ किसी का साथ पेयर नहीं बनेगा तो बाकी पांच पार्टी पार्टिकल इधर के साथ पेयर बन रहा है इसलिए सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में आएगा तो यहां पे बीच में मैं इन दस पार्टिकल की वजह से रख देता हूं टेन एम और इस एक अकेले पार्टिकल को यहां रख देता हूं ओके अब इसमें vcm हमें बताना है तो 10m वाले का क्या है 0 m वाले का क्या है -r कितना हो जाएगा 10m m तो ये हो जाएगा -r by 11 हमें केवल डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस हो जाएगी r by 11 इसका एक और कंसेप्ट क्या है इसको आप नेगेटिव मास से कर सकते हो नेगेटिव मास से कैसे ये तो मैंने पॉजिटिव मास में सिमेट्री बनाई अगर आप नेगेटिव मास में सिमेट्री बनाते तो फिर आपको क्या करना पड़ता यहां पे फिर आपको ऐसा मानते कि यहां भी प्लस एम रखा है और यहां एक माइनस एम भी रखा है अब ये प्लस एम और बाकी प्लस एम मिलकर के तो क्या बना देते सिमेट्री बना देते है ना फिर ये प्लस एम सारे प्लस एम मिलकर के बारह एम मास तो आप कहां रख देते बारह एम मास को अपन रख देते इधर बीचो बीच और एक माइनस एम मास को अपन रख देते जीरो कोमा आर पे इससे भी आप सिमेट्री बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो बारह एम जीरो माइनस एम आर बारह तो इससे आ जाएगा आर बाई इलेवन वही आ रहा माइनस आर बाई इलेवन ओके वाई सी एम तो दोनों तरीके ठीक है आप चाहो तो नेगेटिव मास से सिमेट्री बनाओ या पॉजिटिव मास से सिमेट्री बनाओ कोई इशू नहीं है ओके फिर उसके बाद आता अपने पास एथ क्वेश्चन एथ क्वेश्चन में आपको बोला है कि बॉल बोल एंड बी जिनको प्लेस किया गया इस डायग्राम में अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम डाय स्पीड रही है ना मतलब फर्स्ट बॉल फाइव की स्पीड से आके दूसरी रुकी हुई बॉल से टक्कर करती है यह बोलती है कि बी वाली बॉल ये टी बराबर जीरो पे कंडीशन दी है बी वाली बॉल को टकराने में टी क्वस्ट टू पॉइंट फाइव जब टाइम हुआ तब जाके बी बॉल दीवार से टकराई और कोलिजन जो है उसमें टाइम आपको इग्नोर करना है तो इसका मतलब पहली कोलिजन का टाइम क्या होगा देखो पहली कोलिजन के लिए ए को यहां तक आना पड़ेगा तो सेकेंड कोलिजन का जो टाइम है है ना वो क्या आ जाएगा टी नेट वो आएगा पहले तो ए से बी तक का टाइम और दूसरा आएगा बी से वॉल तक का टाइम ठीक है यही होगा ये टाइम आपको दिया हुआ है टोटल 2.5 तो ए से बी तक का टाइम कैसे निकालोगे फाइव बाई यू वन और ये टाइम कैसे निकालोगे गया फाइव बाई वी टू है ना अपन मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद ये v2 से जाएगा और ये जाएगी v1 से ठीक है तो v2 जो है v2 की वजह से b आगे मूव कर रही है तो फाइनली कोलिजन के लिए जो अगला टाइम है ये वाला पांच कवर करवाने का काम किसका है v2 का तो इस केस में 2.5 ये हो जाएगा फाइव बाई फाइव फाइव बाई वी टू तो ये आ जाएगा अपने पास वी टू इक्वल टू फाइव बाई वन पॉइंट फाइव इसको लिखेंगे टेन बाई थ्री तो v2 आ रहा है टेन बाई थ्री मतलब कोलिजन के बाद सेकेंड बोल की स्पीड हमें पता है अब देखो एक बार मोमेंटम इक्वेशन लगा दो इसमें मोमेंटम इक्वेशन क्या कहती है m इंटू यू वन प्लस एम इंटू यू टू एम इंटू वी वन प्लस एम इंटू वी टू एम तो सारे से तो कट जाएंगे कोई दिक्कत नहीं इसमें यू वन कितना है पांच यू टू जीरो वी और V2. V2 हमें पता चल चुका है टेन बाई थ्री आ रहा है है ना तो वी टू को अपन टेन बाई थ्री लिख देंगे यहां पे ठीक है तो इससे वी वन भी आ जाएगा अपने पास वी कितना आ जाएगा फाइव माइनस टेन बाई थ्री मतलब कि v1 आ जाएगा 5/3 अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है तो सॉरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन यूज करना है क्या होता है सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोच वेलोसिटी सेपरेशन कौन करवा रहा है v2 minus v1 और ये क्यों है u1 minus u2 v2 कितना है 10/3 5/3 और ये कितना हो जाएगा 10 सॉरी uh, u1 कितना था 5 करके निकालना था। मतलब सिंपल तो निकालने के लिए डिस्टेंस बाई स्पीड वाला कॉन्सेप्ट काम में लिया फिर मोमेंटम इक्वेशन से वी वन निकाल लिया v1. वन वी टू दोनों आने के बाद हमने स्मॉल लगा दी स्मॉल इक्वेशन मतलब सेंटर ऑफ कॉपिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन ओके सॉल्व करने पे ई की वैल्यू वन बाय थ्री आ रही है नोट करें बेटा इसको अगला बोल रहे हैं कि एक ट्रॉली जो है उसमें एक बच्चा भी है और दोनों का टोटल मास वन टू हंड्रेड है ट्रॉली की uh, इनिशियल स्पीड इतनी है बीस किलो का बच्चा मतलब ट्रॉली और

चलना शुरू करना है इनिशियल कंडीशन ये है बच्चे का मास्क ट्रॉली का कितना है है स्पीड कितनी किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट कर लो तो ये आ जाता आपके पास टेन तो टेन की स्पीड से ट्रॉली और बच्चा दोनों मूव कर रहे हैं फिर जैसे ही भागना शुरू करता है भागना शुरू करेगा तो इसको भगाने का काम कौन करेगा फ्रिक्शन तो बच्चा जिस डायरेक्शन भाग रहा है फ्रिक्शन उसी तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन बच्चे को चला रहा, को रोक रहा है ना तो ट्रॉली की स्पीड मान लेता हूं कुछ कम हुई होगी मैंने मान बा, लिया ट्रॉली की स्पीड वी ठीक है ट्रॉली की स्पीड कितनी मान ली मैंने वी, वी मान ली उसी टाइम पे बच्चे की स्पीड ट्रॉली के रिलेटिव कितनी है ट्रॉली के रिलेटिव टेन की स्पीड है मतलब वी में टेन और जोड़ देता हूं तो बच्चे की स्पीड हो जाएगी वी प्लस टेन ट्रॉली की स्पीड v मानो तो उससे 10 स्पीड ज्यादा से बच्चा मूव कर रहा है तो बच्चे की स्पीड कितनी हो जाती है v 10 तो अल्टीमेटली इस केस में अभी बच्चा फिर जंप करता है ना तो जंप करने तक वो कितना ट्रॉली के रिलेटिव अब देखो ट्रॉली के रिलेटिव 10 की स्पीड चल रहा है तो पहले तो अपन s रिलेटिव लगाते हैं s रिलेटिव क्या हो जाएगा v रिलेटिव या u रिलेटिव t कितना रिलेटिव डिस्टेंस कवर करना है 10 मीटर का रिलेटिव स्पीड भी कितनी है? ट्रोली के रिलेटिव दस की स्पीड है टी तो टाइम लगेगा एक मतलब बच्चे को दूसरे एंड तक आने में एक सेकंड लगेगा अब एक सेकंड लगेगा तो तब तक ट्रोली कितना चलेगी है ना तो उसके लिए हमें ट्रोली की स्पीड पता होनी चाहिए हम मोमेंटम इक्वेशन लगा देते हैं मोमेंटम इक्वेशन के हिसाब से क्या है टू हंड्रेड इनिशियल मोमेंटम और बाद में ट्वेंटी वी प्लस टेन और वन एटी इंटू वी की स्पीड भी मानी ना अपन ने तो ये आ जाएगा टू थाउजेंडी वी प्लस टू हंड्रेडी मेरे पास टू हंड्रेड टू एटीन हंड्रेड तो वी कितना आ जाएगा नाइन मतलब ट्रॉली नाइन की स्पीड से चल रही है नाइन की स्पीड आ चुकी है उसमें जैसे ही बच्चा दौड़ना शुरू करता है ट्रॉली की स्पीड जो पहले दस थी वो दौड़ने के जस्ट बाद दौड़ना शुरू करने के जस्ट बाद हो चुकी है है ना अब की स्पीड से ट्रॉली मूव कर रही है बच्चा मूव कर रहा है उन्नीस की स्पीड से वी प्लस टेन के हिसाब से उन्नीस हुआ ना अब ये पूछ रहे हैं कि जब तक बच्चा कूदेगा तब तक ट्रॉली कितना चलेगी तो ये मान लिया टीवल टू जीरो पे जस्ट दौड़ना शुरू किया उस वक्त की कंडीशन जब बच्चा कूदेगा तब ट्रॉली मान लो इतना आगे आ चुकी होगी ना और बच्चा यहां से कूदेगा तो तब तक ट्रॉली कितना चली तो डिस्टेंस बाय ट्रॉली हमें बताना है तो इसके लिए वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इनटू टाइम कितनी है वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है नो टाइम है एक तो ट्रॉली मूव करेगी नो मीटर तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है नो मीटर फर्स्ट ऑप्शन ओके तो ये अपना नाइन्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है नोट करें एक बार अगला टू पार्टिकल अप्रोच ईच अदर विद डिफरेंट वेलोसिटीज

अब सेंटर ऑफ़ मास के फ्रेम में नेट मोमेंटम चेंज जीरो कि नेट मोमेंटम जीरो इसका मतलब कि अगर पहले पार्टिकल का मोमेंटम पी है इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम तो दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम पी वन प्लस पी टू जीरो तो पी टू कितना हो जाएगा माइनस पी वन तो टू इक्वल्स टू माइनस पी वन माइनस पी वन कितना हो जाएगा माइनस ऑफ P. तो सेकेंड ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा ओके okay? फिर उसके बाद आता है एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ एफ टी इज ए वेयर एफ इज नेट फोर्स ऑन वन मास अदर, इफ वन ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी एम इज एट स्पेशली स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन ठीक है देखो एफटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इम्पल्स को है ना कोलिजन के दौरान इस तरह से वेरिएबल फोर्स लगता है तो इम्पल्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एफ डॉट डी टी इसका एरिया जो कि आपको ए दिया है अब ये बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में था एम टू एम वन कुछ यू स्पीड से आया होगा फिर बाद में कोलिजन के बाद इसकी स्पीड हुई हो जाए हो जाएगी वी वन और दूसरे की स्पीड हो जाएगी

अब i2 को मैं क्या लिखूंगा डेल्टा p2 ठीक है इंपल्स क्या होता है a के इक्वल यहां पे एरिया के हिसाब से a लिख दो इसको ठीक है और ये हो जाएगा m v2 minus u2 इसका मोमेंटम चेंज m v2 इनिशियली रुका हुआ था इसलिए u2 0 तो v2 हो जाएगा a by m ओके तो फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ग्यारहवे का इस केस में कोई कंफ्यूजन बेटा यहां तक बच्चों क्वेश्चन बात है इसमें तो देखो एक इस तरह से आपको एक डिस्क दी हुई है इलिप्टल डिस्क है ना इसकी सेमी मेजर एक्सिस है ए और सेमी माइनर एक्सिस है बी अब सेमी माइनर एक्सिस को अगर रेडियस मानते हुए अपन सर्कल बनाए तो बी रेडियस का सर्कल बनेगा और अगर सेमी मेजर एक्सिस को सर्किल मानते हुए एक रेडियस मानते हुए सर्किल बनाए तो वो इस तरह का सर्किल बनेगा ठीक है मतलब यहां पे जो दो सर्किल बन रहे हैं एक तो ये वाला सर्किल बन रहा है छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला सर्किल बन रहा है अगर इस बड़े वाले सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते तो कितना आता हाफ एम ए स्क्वायर छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते तो कितना आता हाफ एम बी स्क्र भाई है ना हाफ एम आर स्क्वायर लेकिन अब सारा मास तो बी डिस्टेंस पे नहीं है ना कुछ मास तो बी से आगे भी तो है कुछ मास जो है वो तो बी से आगे भी है ना इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे तो ज्यादा आएगा लेकिन क्या सारा मास ए डिस्टेंस तक है क्या नहीं सारा मास ए डिस्टेंस पे नहीं है कुछ तो कम डिस्टेंस पे भी है मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई आए वो इन दोनों वैल्यू के बीच में आएगा मतलब एम बी स्क्वायर से तो ज्यादा हाफ एम बी स्क्वायर से तो ज्यादा और हाफ एमए से कम इसीलिए आपको इसमें केवल रेंज पूछी ऑप्शन में कि किस रेंज में हो सकता है ठीक है तो अपना ऑप्शन हो जाएगा एमए स्क्वायर बाई टू से कम ओके ये ग्रेटर देन होता तो सही होता लेकिन ये गलत हो गया ऑप्शन ये गलत हो गया ये भी नहीं गलत हो गया है ना तो बाकी फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ओके बच्चों फिर आता है थर्टीन in case of torque of a couple if the axis of rotation is changed by displacing it parallel to itself torque will देखो टॉर्क का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं आपने इसमें पे मान लो दो फोर्स लगा दी ये दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए और इक्वल वैल्यू के होने चाहिए चाहे किसी पॉइंट पे लगे उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है अब जो टॉर्क आता है इन कपल फोर्स का उस टॉर्क की वैल्यू होती है f d जब ये टॉर्क डिफाइन किया जाता है तब बता दिया जाता है कि टॉर्क चाहे आप किसी भी एक्सेस के थ्रू निकालो प्लेन के ना uh, तो चाहे आप, आप एक्सेस यहां से निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी पॉइंट से एक्सेस हो वो सारी एक्सेस बस आपस में पैरेलल होनी चाहिए इस तरह से कहीं भी डिस्प्लेस कर दो आप एक्सेस को यहां रख दो कोई दिक्कत नहीं है टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट हर एक्सिस के अबाउट सेम आएगा ठीक है तो इस केस में टॉर्क विल रिमेन कांस्टेंट ओके 13 के बाद 14 14 में आपसे पूछा है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ एल को एक सिरे से अपन ने हिंस्ट कर दिया और हॉरिजॉन्टली इसको फ्री किया तो दूसरे जो एंड है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपसे पूछा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है चलो छोड़ने के जस्ट बाद यहां पे एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर से mg लगेगा ठीक है तो अब इस केस में टॉर्क इक्वेशन अगर हम लिखें तो टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है mg प्रोवाइड कर रहा है कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है एंड से l/2 डिस्टेंस पे है ना ये डिस्टेंस l/2 है ना टॉर्क क्या होता है i अल्फा होता है तो i कितना हो जाएगा ml2/ 3

3g/2 दिस इज द acceleration ऑफ दिस एंड तो 3g/2 मतलब कि अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओके बच्चों तो थर्ड ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो गया इसके बाद आते हैं अपन 15th क्वेश्चन पे 15th क्वेश्चन में आपको यहां पर एक यूनिफॉर्म रॉड दी हुई है जिसका एक एंड ए जो है वो ग्राउंड पे है और वो नहीं फिसलेगा फ्रिक्शन की वजह से ऐसा बोला हुआ है तो आपको बताना है कि दूसरा एंड बी जब यहां पर मूव करेगा तो इस बी में कितनी स्पीड से टकराएगा जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल होगी उस वक्त की स्पीड पूछिए बी की तो देखो ये हिंज इस पॉइंट को मानना पड़ेगा ना तो इस केस में वीबी देखो सबसे पहले इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट देखो सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी है वो हो जाएगी L बाई टू साइन थीटा तो एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन क्या कहती है कि जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा इस केस में ओमेगा हो जाएगा टू एम जी बाई आई और डेल्टा एच कितना है तो कोई इसको ऐसे लिख देते हैं एम जी एल बाई टू साइन थीटा हाफ एमएल स्क्वायर बाय थ्री ओमेगा स्क्वायर ठीक है तो इस केस में एम और एल तो कट गया टू से टू कट जाएगा तो ओमेगा आ जाएगा थ्री जी साइन थीटा बाय एल दिस इज व्हाट ओमेगा अब जैसे ही ओमेगा आया आपको वी भी बताना है वी भी क्या हो जाएगा ओमेगा इनटू डिस्टेंस ऑफ बी तो ये हो जाएगा थ्री थीटा

जब बी नोट बाई जी टाइम है ना? तो देखो आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है इस केस में तो उसके लिए सबसे पहले पार्टिकल की पोजिशन वैक्टर आपको देखना है और उसका मोमेंटम निकालना है ठीक है और उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वही अपना आंसर हो जाएगा ठीक है तो L क्या हो जाएगा R क्रॉस P R क्या हो जाएगा R हो जाएगा इसमें देखो ये मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस आगे क्या होगा एस एक्स एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और ये y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के इसके कंपोनेंट मान लेते हैं vx और vy vy जिधर भी हमें नहीं पता किधर है हमने vy जो भी आ रहा होगा है ना फिलहाल अपन इसको पॉजिटिव मान के चलते हैं कि vy पॉजिटिव आ रहा होगा ना जो भी आना है वो फिर बाद में आ ही जाएगा खैर तो v इधर मान लेते हैं ये r ये vx ये vy एस वाई और ये एस एक्स तो ये हो जाएगा एस एक्स आई केप एस वाई जेके एम वी एक्स आई के तो आप इसको सॉल्व करोगे आई क्रॉस आई जीरो आई क्रॉस जे क्या होता है की तो एस एक्स वी वाई के के माइनस एस वाई क्रॉस के क्या होता माइनस क्या होता है ना तो ये से लिख दिया अपन ने तो फाइनली अब यहाँ पर आपको वैल्यू डालनी है एम एस एक्स क्या हो जाएगा यू एक्स इन टू टी वी वाई क्या हो जाएगा यू वाई माइनस ऑफ जी टी एस वाई क्या हो जाएगा यू वाई टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क् वी एक्स क्या हो जाएगा यू एक्स के बराबर के बाहर ले लिया मैंने

नॉट तो बाई g, फिर आ जाएगा मेरे पास v नॉट बाई रूट टू माइनस जी वी नोट बाई जी ठीक है माइनस ऑफ यू वाई यूवाई कितना है v नॉट बाई रूट टू v नोट बाई जी हाफ g v नॉट स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर टी का स्क्वायर किया अपन ने इंटू वी नॉट बाई रूट टू ठीक है अब इसमें देखो क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं एम वी नॉट क्यूब अपॉन जी को तो मैं बाहर निकाल सकता हूं एम वी नॉट क्यूब अपॉन जी को मैंने बाहर निकाला इधर बचेगा टू ठीक है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वन अपॉन रूट टू बच जाएगा माइनस वन अपॉन रूट टू रूट टू 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 हो जाएगा तो वन बाई टू माइनस वन अपॉन टू रूट टू ठीक है बाकी सब तो कॉमन ले लिया ठीक है? तो यहां पे हाफ से कट के अपने पास आंसर बचेगा एम वी नॉट क्यूब बाय जी वन माइनस वन अपॉन रूट टू और हाफ तो थ्री बाई टू रूट टू माइनस में के तो यहां पर मेरे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा एम वी नॉट जी थ्री अपॉन टू रूट टू माइनस ऑफ के के अपना कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसका एम वी नॉट अपॉन जी जस्ट मिनट यहां माइनस और माइनस प्लस आएगा ना ओके तो माइनस माइनस प्लस की वजह से फाइनली ये वन बाई टू रूट टू आ जाएगा वन आ जाएगा इधर है ना तो माइनस वन बाई टू रूट टू तो अपना फाइनली आंसर आ जाएगा एम वी नोट क्यूब अपॉन टू रूट टू जी तो ये फाइनली आपका सॉल्यूशन हुआ नोट करें बेटा इसको तो इसमें बेसिक क्या था आर क्रॉस पी आपको करना था आर को डालना था वी को डालना था और उससे आपका आंसर बन रहा है ओके चल नोट करें अगला क्वेश्चन आता है अपना सेवनटींथ सेवनटीन क्वेश्चन में आपको

अब ये पूरा सिस्टम जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा ओमेगा डैश स्पीड से तो फाइनली यहां पर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम दोनों कंजर्व रखने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा आई ओमेगा आई डेश ओमेगा डैश तो आई हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा ये हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर प्लस टू एम आर स्क्वायर ओमेगा डेश तो ओमेगा डेश कितना आ जाएगा अपने पास ये हो जाएगा ओमेगा एम एम, एम प्लस फोर एम तो तो, तो फाइनली सॉल्व करने पे आ रहा अपने पास तो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन तो अपना यहां पे सेकेंड ऑप्शन बन जाएगा कोई इशू नहीं है फिर इसका आता है एटीन

क्योंकि एक्सिस सेंटर ऑफ मास से निकल रही है आपने सेंटर ऑफ़ मास पे ही फोर्स लगा दिया फिर आपको सी से पी की डिस्टेंस बतानी है ठीक है तो सी से पी की डिस्टेंस ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई है तो ये बोल रहे हैं कि पी पॉइंट वो होना चाहिए जहां पे फोर्स लगाने की वजह से कोई भी रोटेशनल इफेक्ट ना आए केवल ट्रांसलेशनल मोशन ही आए विदाउट रोटेशन बोला ना ओनली ट्रांसलेशन विदाउट रोटेशन तो इसका मतलब p पॉइंट क्या होना चाहिए p मस्ट बी cm अब मैं ऐसा करता हूं इसको y कोऑर्डिनेट मान लेता हूं तो ये m मास ये 2m मास कहां पे आएगा l पे और m मास कहां पे आएगा 0, 12 पे तो मुझे y बताना है 2m l एम सॉरी एम तो एल पे आएगा अच्छा ये टूवेल्व थी ना रोड थी है। तो टू एम आएगा एल पे और एम आएगा टूएल पे टू एम प्लस एम कितना हो जाएगा बेटा फोर एम एल बाई थ्री एम यानी कि फोर एल बाई थ्री तो वाई सी हो जाएगा फोर एल बाई थ्री

आपको ये बोला है कि यूनिफॉर्म बॉडी है जिसकी रेडियस एम है और रेडियस आर है मास एम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है रोल डाउन हो रही है विदाउट स्लिपिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन मेक इन एंगल थीटा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा देखो इस केस में एक्सेलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये फॉर्मूला आपको ऐसे रिजल्ट ही याद रखना होता है है ना तो भाई प्रूफ में इसका क्या होता है प्रूफ अगर लाना भी हो इसका डेरिवेशन सिंपल सा है ये एम जी साइन थीटा चलाने का काम करता है ना एट द सेम टाइम फ्रिक्शन इसको टॉर्क प्रोवाइड करता है स्टैटिक फ्रिक्शन तो फिर फोर्स इक्वेशन टॉर्क इक्वेशन और प्योर रोलिंग इक्वेशन से आप लिखोगे एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस बराबर एम ए सी एम टॉर्क इक्वेशन क्या कहेगी फिर कि एफ एस इंटू आर एज एम के स्क्वायर इंटू एल्फा और तीसरी की, ACM को क्या करना है थोड़ा सा कन्वर्जन करना ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं दिया है ना तो अपन क्या करेंगे एम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई एम से मल्टीप्लाई डिवाइड हैं इधर तो ये क्या बन जाएगा एम के स्क्वायर का मतलब क्या होता है आई तो जी थीटा वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन अपना बन जाएगा इस केस में okay बच्चों। फिर कि सॉलिड स्पेयर है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है I है अबाउट इट्स टेंजेंट सॉलिड स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के अबाउट क्या होता है तो अबाउट ये होता है सेवन बाई फाइव एम आर स्क्वायर इसको ने आई बोल दिया ठीक है अब इन्होंने बोला कि इसको आपने एक सॉलिड क्यूब में पिघला के कन्वर्ट किया पिघला के कन्वर्ट करने का मतलब वॉल्यूम कंजर्व रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो कितना रहेगा वॉल्यूम ऑफ़ क्यूब की साइड को अगर मैं ए मान लेता हूं तो ए क्यूब इक्वल टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर बाई थ्री पाई की पावर वन बाई थ्री आर अब किसी भी क्यूब के लिए इस तरह से जब एक्सिस पास होती है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम ए स्क्वायर बाई सिक्स मास तो चलो सेम रहेगा ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा फोर बाई थ्री पाई की पावर वन बाई थ्री और आर और, और इस पूरे का स्क्वायर बाई सिक्स तो इसको मैं क्या लिखूंगा एम आर स्क्वायर सिक्स फोर बाई थ्री पाई की पावर टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं एम आर स्क्वायर को मैं यहां से लिख सकता हूं फाइव आई बाई सेवन चलो फाइव आई बाई सेवन लिख देते हैं यहां पर तो ये जाएगा फाइव आई बाई सेवन सिक्स पहले से था फोर बाई थ्री पाई की पावर टू बाई थ्री तो कितना फाइव आई बाई फोर्टी टू तो 5 i 42 और 4 3 π 2 की पावर्स 1 3 ये भी आएगा तो अपना सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा ओके बच्चों ये अपना यहाँ पे पार्ट कंप्लीट होता है 20 जो आपके सिंगल चॉइस वाले क्वेश्चंस तो कंप्लीट तो होते हैं नोट करें बेटा इसका सॉल्यूशन अगला आता है अपना इंटीजर पार्ट इंटीजर पार्ट पे अपन बात करें तो एक ब्लॉक है मास एम का सपोर्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग अराउंड

और ये बोल रहा है कि रस्सी जो है वो स्लाइड नहीं कर रही है सिलेंडर पे ठीक है तो ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या बनेगी एम जी माइनस टी इक्वस टू एम ए के लिए इक्वेशन क्या बनेगी पुली मतलब होलो सिलेंडर है तो टॉर्क इक्वस टू तो आई एल्फा होता है ना टॉर्क इक्व तो एल्फा यानी कि टी डॉट आर ये क्या हो जाएगा एम आर स्क्वा एल्फा और फिर बनेगी नो स्लाइडिंग कंडीशन रस्सी स्लाइड नहीं करे उसकी कंडीशन क्या होती है कि जो दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट है रस्सी का पॉइंट और ये डिस्क का पॉइंट इन दोनों के होता है पर जब इसी को आप डिफरेंशियट करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी ए इक्व टू एल्फा ठीक है आपको वेलोसिटी की जो बेसिक वैल्यू होती है वो लिखनी पड़ती है तो आप यहां लिखोगे जीरो प्लस ए टी फिर आप लिखोगे इधर ओमेगा नॉट भी जीरो आर तो फाइनली से इक्वेशन आ जाएगी ए इक्वल टू तो एल्फा आर अब फाइनली तीन इक्वेशन आपके पास बन चुकी है इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा एम जी माइनस टी जाएगी टी आर अपॉन एम आर जाएगा तो टी कितना आ जाएगा एम जी बाई टू इक्वेशन वन अगर यूज करोगे तो ए सी एम कितना आ जाएगा इससे यह आ जाएगा एम जी माइनस टी अपॉन एम यानी कि जी माइनस जी बाई टू यानी कि जी बाई टू तो फाइनली जी बाई टू तो जी बाई टू मतलब N की कितनी आ रही है टू हमसे एन नहीं पूछा हमसे टेन इन टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन फिर आता है कि एक सॉलिड लार्ज स्पूल स्पूल मतलब एक बेलन है जिसके ऊपर आपने धागा लपेटा हुआ है ना इस तरह से

है ना मतलब जितना याद रखो सेंटर ऑफ मास प्योर रोलिंग के केस में सेंटर ऑफ मास की स्पीड अगर वीसीएम है तो उससे डबल स्पीड होती है टॉप पॉइंट की है ना तो ये VCM, तो ये वीसीएम वीसीएम तो मतलब जितना सेंटर ऑफ मास चलेगा उससे डबल कौन चलेगा टॉप पॉइंट चलेगा ठीक है टॉप पॉइंट मतलब टॉप पॉइंट ये जो टॉप पॉइंट से जुड़ा जो भी पार्टिकल जुड़ा हुआ है वो टू वी स्पीड से चल रहा है तो टॉप पॉइंट से कौन सा पार्टिकल जुड़ा है इस धागे का जो पार्टिकल वो टॉप पॉइंट की स्पीड से बाहर निकल रहा है ना टॉप पॉइंट की स्पीड टू भी है तो धागे के पार्टिकल की स्पीड हमेशा टू भी रहेगी है ना फिर इसके बाद आता है एक यूनिफॉर्म रॉड है है ना उसको लोअर एंड पे अपन ने रख दिया रॉड का मास भी एम है और इसका मास भी एम है फिर ये बोल रहे हैं कि इसको कितनी स्पीड देगी टॉप पॉइंट पे पहुंच जाए तो जब रॉड अपने टॉप पॉइंट पे पहुंचेगी देखो इस तरह से अपन सिस्टम मान लेते हैं तो इस केस में ये रॉड जब अपने टॉप पॉइंट पे पहुंचेगी तो रॉड का सेंटर ऑफ मास भी तो इतना ऊपर आया ना तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर आया ये सेंटर ऑफ मास था रॉड का ये पार्टिकल था तो सेंटर ऑफ मास तो है एल हाइट ऊपर आया और पार्टिकल जो है वो टू एल हाइट ऊपर आया तो मैंने मान लिया कि आपने इस सिस्टम को इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा दी होगी इस केस में अगर फाइनली ऊपर आते हुए इसकी स्पीड खत्म भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना तो इसका मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा एमजीएच में ठीक है यही होगा ना मतलब इनिशियल काइनेटिक इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल अब एमजीएच में यहां पे पार्टिकल के लिए भी आएगा और एमजीएच किसके लिए और आएगा और रॉड के लिए क्योंकि दोनों ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ऐसे आई भी दोनों का लिखना है तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ एनर्जिया एम एल स्क्वायर रोड का एम एल स्क्वायर बाय थ्री क्योंकि रोड अपने एक एंड के अबाउट घूम रही है ओमेगा स्क्वायर पार्टिकल के लिए हाइट में कितना चेंज आया ट्वेल्व रोड का सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया एल तो ये हो जाएगा फोर एम स्क्वायर बाई सिक्स ओमेगा स्क्वायर थ्री एम जी एम एल एम एल तो ओमेगा हो जाएगा 18 बाई फोर जी बाई एल तो ये कितना हो जाएगा 9 बाई टू जी बाई एल अब हमसे क्या पूछा है इन्होंने हमसे पूछा है कि वॉट मिनिम स्पीड गिवन टू पार्टिकल पार्टिकल को कितनी स्पीड देनी है तो पार्टिकल की स्पीड कितनी हो जाएगी ओमेगा इन टू एल तो 9 बाई टू जी एल ये फाइनली अपना आंसर है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी नाइन तो फाइनली एन की वैल्यू होगी इस केस में नाइन कोई कंफ्यूजन यहां तक फोर्थ पे आते हैं फोर्थ में आपको दिया है कि स्पॉट लाइट जो है वो रोटेट कर रही है और आपको यहां पे थीटा फोर्टी फाइव जब हो तो इस स्पॉट की स्पीड कितनी है ये बताना है तो देखो सिंपल सा रिलेशन है इस ट्राइंगल में टेन थीटा क्या हो जाएगा एक्स बाई थ्री अब ये रोटेट होने की स्पीड स्पोर्ट लाइट के रोटेट होने की स्पीड आपको दी पॉइंट वन रेडियन पर सेकेंड है ना तो एक बार मैं क्या करता हूं देखो स्पोर्ट लाइट जब रोटेट होगी ना तो ये थीटा चेंज होगा थीटा बढ़ेगा तो एक्स को मैं क्या लिखूंगा थ्री टेन थीटा डिफ्रेंसिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो डीएक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा थ्री सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी थ्री सेक्वायर थीटा कितना हो जाएगा से स्क्वायर फोर्टी फाइव डिग्री ओके okay. और डी थीटा बाई डी टी कितना है पॉइंट वन कॉस फोर्टी फाइव होता है रूट टू वन अपन रूट टू का स्क्वायर तो टू ऊपर आ जाएगा है ना स्क्वायर होने के बाद और पॉइंट वन तो ये स्पीड आएगी पॉइंट सिक्स अब v की वैल्यू 0.6 आ रही आपको है आपको पूछा है 10 v की वैल्यू तो 10 इंटू पॉइंट यानी कि 6 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका 6 इसका आंसर हो जाएगा कोई कंफ्यूजन इसमें फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है फिफ्थ फिफ्थ में आपको बोला है कि दो पार्टिकल है ब्लॉक ऑफ मास 2 के जी मूविंग एट टू मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद अनदर ब्लॉक ऑफ इक्वल मास देखो दो दो किलो के पार्टिकल है है ना ये रेस्ट में है और ये टू की स्पीड से आ रहा है ये बोल रहे हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज हाफ ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अब जो इन्होंने बोला है कि लॉस जो है देखो फाइनल लॉस किसी भी सिस्टम में ये होता है अब ये बोल रहे हैं कि ये लॉस जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस का हाफ है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है

सेकेंड डिटीर्स था मिड सेशन इसमें अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है सर्कुलर सेंटर ऑफ मास और रोटेशन उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पेपर काफी अच्छा होगा जो भी डाउट आपके यहाँ पे हैं उनको आप क्लियर करें और अपने नोट्स को रेगुलरली अपडेट करते रहें नोट्स हमेशा अपडेट करना ये दिखाता है कि आप अपने नोट्स पे मेहनत कर रहे हैं और जो जो नई नई चीजें आप पूरे सेशन के दौरान सीखते जा रहे हैं उनको अपने नोट्स में डालते रहें ताकि एग्जाम टाइम पे सारी चीजों का रिविजन केवल नोट्स पढ़ने से ही हो जाएगा ओके बच्चों थैंक यू ऑल द बेस्ट